यरोमन अन्योन्याश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर 9 इयर्स बैक जाकर देखें तो कोरिया की 7 डिफरेंट सिटी से हम्बल बैकग्राउंड के 7 बॉयज को मिलाकर बिग हिट एंटरटेनमेंट ने एक ग्रुप बनाया, जिसे ग्लोबल आर्मी ने इतना प्यार दिया कि आज वो इस प्लेनेट का सबसे बड़ा बैंड बन गया है। और वहीं ग्रुप अपनी लाइफ का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट कल हाइप लेवल्स ने कर दी। लेकिन इस अनाउंसमेंट से पहले ही हमारे किमसक जिन ओपा ने अपने प्रिटी आर्मी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, जिसके हिंट उन्होंने बुसान कॉन्सर्ट में भी दी। तो मैं आपको इसी सरप्राइज के बारे में डिटेल में बताऊं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि जून में BTS मेंबर्स ने अपने चैप्टर 2 की बात की थी, जिसे आर्मी ने सोलो करियर से जोड़कर देखा था। लेकिन कल की इस अनाउंसमेंट के बाद ऐसा लगता है कि शायद BTS मेंबर्स इसी चैप्टर 2 यानी अपनी मिलिट्री सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये भी सच है कि सभी BTS मेंबर्स अपने सोलो करियर को लेकर उतना ही कंसर्न है जितना कि वो अपने ग्रुप वर्क को लेकर थे। और अब जी होप की ही तरह हमारे किमसक जिन ओपा ने भी बुसान कॉन्सर्ट में अपनी सोलो एल्बम की अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि जल्द ही उनकी सोलो एल्बम आने वाली है, जिसके लिए उन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसके साथ ही जिनने हिंट देते हुए कहा कि यह कोलैबोरेशन उसी पर्सन के साथ किया गया है जिसके वो फैन है और उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। और जब से जिनने ये हिंट दी है, तब से ग्लोबल आर्मी यही कह रही है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि टेलर स्विफ्ट है, जिसका रीजन ये है कि जिन हमेशा से ही कोल्ड प्ले और टेलर स्विफ्ट का नाम लेते आए हैं और वो इन दोनों ही पर्सन के बिग फैन है और लाइफ में उनके साथ एक बार काम करना चाहते हैं। और अब जब कोल्ड प्ले के साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं, उसके बाद टेलर स्विफ्ट भी एक ऐसी पर्सन है जिसके साथ किमसक जिन काम करना चाहते हैं। और टेलर स्विफ्ट भी कई बार BTS के साथ काम करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि 2018 में BTS मेंबर्स और टेलर स्विफ्ट बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में फर्स्ट टाइम मिले थे। और जब से ही दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे की रेस्पेक्ट और वर्क को अप्रिशिएट करते आ रहे हैं। और एक इंटरव्यू में जब किमसक जिन से पूछा गया कि वो सोलो वर्क में क्या क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो जिन ने टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग मी को मेंशन करते हुए कहा कि ये सॉन्ग उन्हें ब्राइट एनर्जी और मूड लिफ्टेड करने में मदद करता है और वो इसी तरह के सॉन्ग्स पर काम करना चाहते हैं। तो फाइनली इन सभी हिंट्स के बाद आर्मी का कहना है कि BTS किमसक जिन टेलर स्विफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये कोलैबोरेशन सच में टेलर स्विफ्ट के साथ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि किमसक जिन ने टेलर स्विफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and sarangyo.